के साथ, बदलते की guys, guys, कल मेरी नई आ रही है Great. तब तो I will come with Rohan every day. Insurance है। तुझे क्या लगता है इंश्योरेंस कुछ है? अबाउट लाइफ इंश्योरेंस अपार्ट गाइस बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए yeah. सीरियसली लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है एल आई सी का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा मजोरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर हेलो इंश्योरेंस है क्या <laughs> नमस्कार चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा किसान भाइयों चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव गांव जाते हैं चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग साढ़े किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के गाँव काटी में आपको बता दें ये जो टीकमगढ़ है इसका पहले नाम था टिहरी टीले के ऊपर किला होने के कारण इस गांव का नाम पहले टेरी रखा गया आपको बता दें इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं दार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं गांव काटी में जिसका जिला पड़ता है टीकमगढ़ आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के विशेषज्ञ मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए है कि जो उनको फसलों में जोखिम होता है चाहे वो खरीफ में हो रबी में हो बारिश ओला पाला या उनकी फसल में आग लगने से अगर फसल को हानि होती है तो उस प्रकार के फसल बीमा एक उनकी फसलों की सुरक्षा से संबंधित है और यह हमारे गांव में कई किसान हमेशा करवाते हैं चाहे वो खरीफ का मौसम हो चाहे रबी का हो तो उसका लाभ भी लेते हैं इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी इस योजना की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कृषि जो है हमारा वो जलवायु पे आधारित है अभी भी देश में बहुत सारा जो क्षेत्र है जैसे बारिश में यहाँ का लगभग अस्सी से पचासी प्रतिशत जो है खेती बारिश पे निर्भर है अगर मानसून लेट हो गया या पकी फसल में बारिश हो गया तो फसल नष्ट हो जाती है जिससे कि किसान को जो लागत है वो भी नहीं निकलती है तो ऐसी परिस्थितियों में फसल भी एक मौसम पर आधारित होने पे कभी भी उसमें नुकसान हो सकता है इसको कवर करने रिस्क कवर करने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारम्भ किया गया था और इसका किसान देश में भी लाभ ले रहे हैं हमारे इस गांव में भी ले रहे हैं देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं जी आप बताएं किस तरीके से आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया जैसे हमारी फसल पे बाढ़ कड़ जाए नदी से तो फसल नष्ट हो जाती है तो हमको उसका बीमा मिलता है तो कितन, कितना लाभ प्राप्त हुआ आपको इससे लगभग चौबीस से लेकर अट्ठाईस तक को हेक्टेयर मिल जाता है सर लाभकारी है बैठ सकते हैं देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है। हैं हैं आइए जानते है, आपने इस से प्राप्त किया है? हाँ, है। या, किस तरीके से आपने लाभ प्राप्त किया है अभी तरक्की से कहा तरक्की से कहा हुई तो उसमें आपको कुछ मुआवजा मिला हाँ बार मिला है लाभकारी है हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं इस योजना से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपने लाभ की प्राप्ति करी है नहीं हमने नहीं करी है आपने बीमा कराया बीमा हमें मिलते ही नहीं है बीमा नहीं, कराया आपने, आपने। तो बीमा आपने कराया उसके बाद आपकी फसल खराब हुई जैसे खराब हो जा तो जितनी अपनी फसल होता पैदावार उतनी नहीं मिलती है थोड़ा सा मिलती है तो इसके बारे में आपने हमारे वैज्ञानिक से या कृषि विभाग में जाके चर्चा करी नहीं हमने नहीं करी उनको सूचित किया आपने नहीं किया है हमने देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं उन्होंने इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई तो कुछ प्रतिशत का ही उनको लाभ प्राप्त हुआ तो वो कह रहे हैं कि उनको इस योजना से लाभ की प्राप्ति नहीं हुई हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है आइए जानते हैं सर जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इस योजना से लाभ नहीं प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने सूचना भी नहीं दी तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा Uh, सर देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है uh, सूचना की जानकारी पूरी तरह जानकारी ना होने के कारण कृषि अधिकारियों से पूरी ना मिलने के कारण ये लोग पीछे रह जाते हैं या फिर इनका खाता गलत हो जाता है तो कुछ अनियमितता हो जाती हैं या फिर ये मान लीजिए कि न इनका पंजीयन नहीं हो पाया है किसी कारणवश तो इसमें क्या होता है सर कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं इसके लिए अथोराइज होते हैं और जिनका किसान क्रेडिट कार्ड है उनके लिए तो मतलब फ़सल बीमा योजना मतलब ऑटोमेटिक वो कर ही देते हैं और उसका प्रीमियम कट जाता है इसके लिए सर देखिए दो चीज़ें तीन चीज़ें होती हैं कि इसका जो व्यापारिक फसलों का प्रतिशत है और इस जो 2016 से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा आई है इसमें प्रीमियम प्रतिशत बहुत कम कर दिया गया है पिछली योजनाओं की बजाय इसमें सर जो व्यापारिक और अपनी कैश क्रॉप होती हैं उसके लिए पाँच परसेंट रखा है और जो खरीफ क्रॉप है उसके लिए दो परसेंट और रबी क्रॉप्स के लिए तीन वन पॉइंट फाइव परसेंट एक दशमलव पाँच परसेंट प्रीमियम रेट रखी है तो ये किसानों के लिए बहुत लाभकार लाभदायक है और कुछ क्या हो जाता है कि कुछ सिस्टम है आप आप देख लीजिए कि अभी कोरोना आपातकाल था इस कारण किसानों के खाते में वो चीज़ नहीं पहुँच पाई है परंतु ये थोड़ा समय के बाद है और इस समय में कुछ समय में किसान के पास लाभ पहुंचने लगे जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने सूचना नहीं दी तो अगर किसान भाई की फसल अगर क्षतिग्रस्त होती है तो उनको कितने समय में सूचना देनी पड़ती है आ, सर देखिए इसमें क्या होता है कि यदि फसल आपकी कट गई है और कट के यदि आपका चौदह दिन तक इसके फसल बीमा योजना का यही सबसे बड़ा लाभ है यदि आपकी फसल कट गई है और चौदह दिन तक रखी है चौदह दिन के अंदर यदि ओला या आपकी आग लग जाती है कुछ भी हो जाता है तब तक आपको लाभ मिलेगा मतलब फसल कटने के चौदह दिन बाद तक और इसकी सूचना इनको पटवारी को या फिर अपने कृषि विभाग को उनको देना पड़ेगी देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि अगर आपकी फसल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको आप चौबीस से अड़तालीस घंटे के अंदर अंदर अपने जो कृषि विभाग में है उनको जाके आप सूचना दे सकते हैं चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी सौतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं अच्छा ये बात है हाँ, क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है ऐसा क्या हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया अरे इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म तभी मैं सोचू कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है कृषि <laughs> संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं जी आप बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपने लाभ की प्राप्ति करी है हमें लगता है हजार थोड़ी सी थोड़े कम योजना कैसी लगी आपको जा ठीक तो है जो हमारे किसान भाई अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं हाँ साहब जी दीजिए संदेश हाँ साहब करा के नहीं साहब अब जैसे कहाँ का ये सब करा ठीक देखिए हमारे किसान भाई का हमारे जो किसान भाई जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनको संदेश है कि वो भी किस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराएं और लाभ की प्राप्ति करें हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताएं फसल का बीमा कराया आपने हाँ जी है बताए किस तरीके से आपने फसल का बीमा कराया फसल दस्तावेज दिए साफ कसरा की नकल या बंदी की है आधार कार्ड है इस तरीके से सब और फसल का बीमा जब आपने कराया और अब आपको उसमें कितनी लाभ की प्राप्ति नजर आ रही है सब आप जो राशि आए वो मिल सकती है साथ। फसल क्षतिग्रस्त हुई थी आपकी अभी उसी तो नहीं हुई। नहीं, पहले आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है हाँ, बरसात से, से तो तो आपने आ, हमारे वैज्ञानिक को सूचना करो सर्वे करो देखा है और कितने समय बाद आपको उसकी राशि प्राप्त हुई अभी बैंक खाते में नहीं समय कुछ समय बाद आ गई थी योजना लाभकारी है किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ना चाहिए जुड़ना चाहिए सर देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना लाभकारी है हमारे किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ना चाहिए हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताए फसल का बीमा कराया आपने कराया सर बताइए किस तरीके से आपने फसल का बीमा कराया इस तरीके से क्या है जो की बैंकों में अपन आधार कार्ड लेते पैसा कट जाती है अपने खाते से और फिर सब फसल खराब भाई तो अपन ने ग्राम सेवक से कही या कृषि विभाग से कही या फिर सब पटवाई लोगों से सब लिख के दे दी देख फायदा मिला आप आपको सब लोगों को कराना चाहिए सब बीमा इस योजना की जानकारी कहाँ से मिली आपको अब सब बैंक वालों ने बताया ग्राम सेवासी केंद्र से, से। लाभकारी है हाँ जी आप बैठ सकते हैं देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना से उनको लाभ की प्राप्ति हुई है और उन्होंने बताया कि योजना जो है उनको कृषि विभाग ने उनको बताया कि ये योजना है और साथ साथ ही उन्होंने बताया कि बैंक से उनको इस योजना की जानकारी प्राप्त हुई हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताएं आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको इस योजना की जानकारी है जी बताए योजना क्या है एक बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की इस योजना से कृषि में जो भी नुकसान होता है किसान को जो भी नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई इसी योजना के तहत होती है इस योजना से 2016 से जब से जो योजना चली हुई है इसी योजना से थोड़ा बहुत उसका जो लागत मूल होता है कम से कम किसान का लागत मूल तो कम से कम किसान को वापस हो जाता है अगर उसकी पूरा नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो मिल ही जाता है इससे और ये बैंक किसान क्रेडिट कार्ड से कट जाता है या फिर अपन अलग से करवा लेते हैं जो जमीन जिस पे जिसपन लोन लिए हुए हैं उस जमीन में अलग से करवा लेते हैं और जिस जमीन में लोन लिए हुए हैं उस जमीन में उस तो या सही के किसान क्रेडिट कार्ड से ही कट जाता है जी योजना लाभकारी है जी योजना लाभकारी है जी आप बैठ सकते हैं देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनका फसल का बीमा हुआ जैसे वो बता रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से भी इसका बीमा हो जाता है तो उन्होंने कहा बीमा होने के बाद उन्होंने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा की चर्चा कर रहे हैं फसल का बीमा कराया आपने जी कराया था बताए किस तरीके से बीमा कराया था आपने यही डॉक्यूमेंट्स पूरा लगता है ना बैंक में वो वहीं से किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे निकालते हैं उसी में भी कार्ड लेते हैं पाँच हजार सात हजार जितने परसेंटेज उससे बीमा क्षतिग्रस्त हुई आपकी हाँ किस तरीके से हुई थी पानी के कारण तो आपने हमारे बैंक में या कृषि विभाग में जाकर सूचना दी थी इसके बारे में नहीं पटवाई जी को दी थी तो फिर आपकी जो फसल जब आपकी क्षतिग्रस्त हुई उसका आपको लाभ मिला था हाँ मिला था लाभकारी है योजना जी देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना जो है लाभकारी है चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी ये क्या हो रहा है? इतने कम मार्क्स काशु बेटा पढ़ा करो पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ पढ़ा करो आप पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे मतलब वो देखो सिर्फ छपा ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक का निशान पहचान पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं समझे अगर मैं प्योर नहीं तो अच्छे अच्छा जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए क्या कर रहा है इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का बोल पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन खातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल थी शुद्धता झलकती थी हाँ। माटी भी तंदुरुस्त और लोग तो पहली वाली बात कहा तो सब यही डाले हैं। सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और ऊपर कीमत भी बेहतर पा रहे हैं ठीक है भाई मैं भी आज से खेती शुरू करूँगा माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव काठी की चौपाल चर्चा में हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं जो हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसल के ऊपर बीमा करा सकते हैं सर बताएं कि हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसलों पर बीमा करा सकते हैं ये बड़ी अच्छी अभिनवी योजना है और किसान जो पहले मुआवजे के लिए भटकते थे उसका इससे निवारण हुआ है और किसानों के लिए जितने भी एम जिन फसलों पर मिल रहा है ज़्यादातर सभी फसलें इससे कवर हैं जैसे हमारा गन्ना है और कॉटन है उसको छोड़ के जैसे रवि की इसमें हमारा गेहूँ है चना है मसूर है कवर हो रही है हमारे ज़िले की जो भी फसलें हैं रवि की और खरीफ की जैसे खरीफ में सोयाबीन है उड़द है मूंग है अरहर है ये सभी फसलें इस पर आप बीमा के अंतर्गत किसान इसका लाभ ले सकते हैं देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि कौन कौन सी फसल के ऊपर आप अपना बीमा करा सकते हैं हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं जी आप बताएं फसल का बीमा कराया आपने जी कराया है बताइए कौन सी फसल पर बीमा कराया आपने इस समय जो है गेहूँ पर हमारा पूरा का पूरा पैसा कटा है बैंक से बैंक में हमारा ढाई हेक्टर का जो है के बना है और उस पर हमारे साढ़े सत्रह सौ रुपये कटते हैं तो आपकी फसल जो कभी क्षतिग्रस्त हुई हाँ हुई है सर हमको किस 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 प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई पिछले साल जो है अधिक वर्षा होने के कारण हमारी पूरी उर्द की फसल नष्ट हो गई थी इसके पहले एक बार ओलावृष्टि हुई थी तो हमारी उस समय पूरी गेहूं खत्म हो गई थी उसका भी हमको छप्पन हजार रुपये मिला था और उर्द का अभी मिला है सैंतीस हजार रुपये योजना लाभकारी है लाभकारी है सर किसान हो? के लिए वरदान है किसान के लिए वरदान वरदान किसान के लिए देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि किसान के लिए ये योजना वरदान है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं हैं आइए जानते है। जी आप बताएं फसल का बीमा कराया कराया आपने है करा किस तरीके से आपने अपनी फसल का बीमा कराया बीमा सी में कराया है किसान क्रेडिट कार्ड है ना उसी में कराया कौन सी फसल पे कराया आपने बीमा हमने खरीफ का कर कराया है रबी पे भी कराया है दोनों पे कट रहा है फसल क्षतिग्रस्त हुई आपकी हाँ

किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए जुड़ना चाहिए अधिक से अधिक देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को भी इन योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए और लाभ लेना चाहिए हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है आइए जानते हैं जी आप बताए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपने अपनी फसल का बीमा कराया जी बिल्कुल कौन सी कौन सी फसल पे कराया गेहूं तो आपने जब ये बीमा कराया बीमा कराने के बाद आपको इस योजना से लाभ की प्राप्ति हुई बिल्कुल बताइए आपकी जो आपने जो बीमा की जो आपकी लाभ की प्राप्ति हुई उस किस तरीके से आपने उसका लाभ लिया जैसे हमने गेहूँ पर बीमा कराया था तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है जैसे हम किसी वैज्ञानिकों से कहना चाहते हैं थोड़ा समय लगता है जैसे बीमा आने में प्रीमियम तो थोड़ा और जल्दी प्रीमियम आ जाए जैसे कोई महीना बीत जाते हैं दो महीने लग जाते हैं प्रीमियम वापस होने में थोड़ा और जल्दी आ जाए तो किसान को और मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और मिल सकता है और बहुत ही अच्छी वरदान साबित हुई है ये तो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री की देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ये उनके लिए वरदान साबित हुई है साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो प्रीमियम जो राशि उनको मिलती है जब फसल क्षतिग्रस्त हुई क्षतिग्रस्त होने के बाद जो लाभ की जो राशि मिल रही है, अगर वो थोड़ी सी और पहले आ जाए तो वो और ज़्यादा इससे लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं जी आप बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपने अपनी फसल का बीमा कराया है हाँ करा। किस प्रकार से कराया वो पिताजी गए थे तो अब हमारे नाम से आगा तो अब हम बीमा हमने करवाया है फिर बीमा भी देते हैं फिर कट जाते हैं और अब वजन को मिलगा तो साहब योजना लाभकारी है हाँ साहब जो कृषि विज्ञान अखबार अच्छे समझाते हैं तरीक़ा से खेती हो रही सब फायदा मिल रही समझाते तरीक़ा से हमन बोनी करा तो बढ़िया पैदावार हो रही चाहे देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना से उनको लाभ की प्राप्ति हुई है साथ ही साथ वो कह रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो उनको अच्छे से जानकारी देते हैं जिसकी वजह से उनकी पैदावार बढ़ी है और उनको लाभ की प्राप्ति हुई है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है आइए जानते हैं जी आप बताए फसल का बीमा कराया आपने जी कराया बताए किस प्रकार से आपने फसल का बीमा कराया वो के के माध्यम से करवाते हैं लगभग सभी लोग हमारे यहाँ तो के लिया अपने खेती के लिए तो उसी में कटवा देते हैं किसी तो कौन सी फसल के लिए आपने कराया था वो सभी फसलों के लिए करवाते हैं रबी और खरीफ दोनों के लिए करवाते हैं फसल क्षतिग्रस्त हुई हाँ हुई है पिछली बार अभी बारिश में हुई थी लाभ की प्राप्ति हुई हाँ हुई है योजना लाभकारी है नहीं लाभकारी है देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना जो है लाभकारी है फसल की क्षतिग्रस्त हुई जैसे ही फसल क्षतिग्रस्त हुई क्षतिग्रस्त होने के बाद उनको उसकी लाभ की प्राप्ति हुई हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है आइए जानते हैं जी आप बताएं किस योजना की जानकारी है आपको जी बताएं योजना क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हम लोग बीमा के सी के माध्यम से करवाते हैं तो आपने जब इसको फसल को बीमा कराया बीमित करने के बाद आपकी फसल कभी क्षतिग्रस्त हुई जी सर क्षतिग्रस्त होने के बाद आपको इसकी जो राशि है वो किस प्रकार से मिली जी खाते के माध्यम से आती है सर के सी की लाभकारी है जी। जी देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताएं फसल बीमा योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है हाँ हुई है ना लाभ की प्राप्ति बताइए किस तरीके से करी है किसी के माध्यम से कट जाते हैं पैसे और वही हिसाब से परसेंट के हिसाब से आते हैं उसमें कुछ पैसा प्रधानमंत्री भी देती है कुछ पैसा हमारा लगता है बाकी लाभकारी है कौन सी फसल के लिए कराया था आपने गेहूं का जी आप बैठ सकते हैं देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि गेहूं की फसल पे उन्होंने अपना बीमा कराया और उन्होंने बताया कि जो योजना है ये लाभकारी है हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं जी आप बताएं आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपने अपनी फसल का बीमा कराया है जी करवाया बताए किस प्रकार से कराया है के द्वारा तो आपने जब इसको बीमा करा पहले तो ये बताइए आपको बीमा की जरूरत क्यों पड़ी के लेते हैं सर फसल नष्ट हो जाती है तो फसल नष्ट होने के कारण फिर कहां से भरेंगे इसलिए बीमा की जरूरत पड़ती है जब तक आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं कराते थे उससे पहले आप क्या करते थे कुछ नहीं मजबूरी पड़ पढ़ जाती थी सर परेशानियां जब नुकसान होता था, था उसकी भरपाई कैसे होती थी तो बहुत मजबूरी मजदूरी करना पड़ती थी उल्टे सीधे काम यानी खाना नसीब नहीं होता था ऐसी कई स्थितियां गुजरती थी हम नसीबितियां परंतु जब आपको इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जब आपने बीमा कराया बीमा कराने के बाद जैसे आप बता रहे हैं आपको लाभ की भी प्राप्ति हो रही है हाँ, हो रही है तो तब में और अब में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप लगभग सत्तर अस्सी परसेंट बदलाव है सर योजना लाभकारी लाभकारी है योजना देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है उन्होंने बताया कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये बीमा नहीं कराया था तो उनका जो जीवन था वो कठिनाइयों भरा था परंतु जब उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना बीमा कराया तो उनके जीवन में बदलाव आया उनके जीवन में खुशहाली आई सत्तर प्रतिशत तक की उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उन्होंने बताया कि मेरा जीवन जो है वो खुशहाल हो गया आज के गाँव घाटी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ नमस्कार